सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई वो जो कल आपने जो शायद 2, 4, 5, 10 मेरे भाई ने देखी जिन्होंने वीडियो, उनको पता भैया उसी काम के लिए मैं कहा चलता हूँ भाई। आज मौसम भी अच्छा है तो गाने बंद कर देते हैं। तो ऐसा है कि भैया भी फ्री थे, वेट कर रहे थे मेरी, तो मैं कहा यार जा आता हूँ। और वैसे ना मैं भाई घर से स्टार्ट करना भूल ही जाता हूँ ब्लॉग, कि यार घर से शुरू करूँ मेरे को भी अच्छा लगे। मैं पता नहीं क्या सड़क में है जब आ जाता हूँ फिर, अब तो बल्कि मैं पार्किंग से भी नहीं कर रहा वहाँ पर, एक तो अंधेरा होता है वहाँ। तो चलो ये रीज़न है भैया डंडा लेके कहाँ जा रहे हो। तो अब मैं पहले इनको इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर एक चीज़ और है तो वो चीज़ भी आपको बताऊँगा, वो इससे महंगी है, इसी से ही रिलेटेड है। एक तो महंगी है, एक थोड़ी सस्ती भी नहीं है, वैसे तो महंगी है वो भी। अब 7-8 हज़ार रुपये कम नहीं होते वैसे देखा जाए लाइफ में, ऐसे हमने अपने लिए अपने ऊपर यूज़ करने हैं तो बहुत कुछ आ जाए उसका। पर चलो यार हमारे को यही शौक है, बहुत पहले से है, जवानी से, तब भी मारुति होती थी 89 का मॉडल 1989। तो फिर अब लोग थोड़ा गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हैं, इनका थोड़ा है लोचा। तो ये बात है भाई, जा रहा हूँ ऊपर, उसको बोलते हैं नगाली। तो आज तो मैं फिट कराऊंगा जो ये लेके चला हूँ ना, और पीछे पड़े हैं भाई, ओए ओए क्या करते हैं ये। मैं ना रियर डोर्स में लगवा रहा हूँ, बिकॉज जो फ्रंट के लिए अब चीज़ आएगी ना वो फिर मैंने थोड़ी धमाकेदार मंगा ली, थोड़ी जानदार चीज़ मंगा ली कि चलो यार। पर सिस्टम, अरे भाई ठेका भी बंद है आज भाई, है कुछ अरे अंकल कहाँ से आ रहे यार, ये ना लोग ना भाई बीच से निकल जाते कहीं कहीं से, बड़ा सीन है इनका भाई। तो भाई ये तो बात भी बुला देते भाई, लोग ऐसे हैं देखो। तो अब मैं भूल चुका हूँ भाई जो मैं बोल रहा था। तो हाँ धमाकेदार चीज़ है तो उसको मैं फ्रंट डोर पे लगाऊंगा, ठीक है, वो दमदार चीज़ है तो इसलिए थोड़ा। तो अब ऐसा है, थोड़ा आपको रास्ते का व्यू दिखाऊं ना दिखाऊं, तो दिखाऊं कि ना दिखाऊं तो देख लो, नहीं तो आती बारी दिखा दूंगा। है तो जंगल जंगल, ऐसे सड़क सड़क, जब बोलेंगे आप लोग तो दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा चलो ऐसे जंगल देखना भी सही है, कंपनी आ गई मारुति वालों की, भैया सर्विस कर दो फ्री में, गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ मैं, गरीब हूँ भाई। तो ठीक है भाई, अभी मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद सीधे नगाली में। थोड़ा गाड़ी भी ढंग से चलानी पड़ेगी ना यहाँ यार, लोग कोई कहीं से निकल रहा है, कोई उड़ते हुए आ रहा है, और आज धूप है भाई, मौसम बहुत अच्छा है आज, आज रोमांचिक मौसम नहीं है भाई, आज तगड़ा मौसम है, जहाँ मर्जी घूमो बाइक पे, नहीं पर उन पे ठंड है टू व्हीलर पे। तो ठीक है भाई, देख रहे हैं अब छांव आ गई एकदम से, ठीक है भाई लोग बाय बाय, अभी मिलते हैं आपको वहीं इंस्टॉलेशन पे, उसके बाद दिखा देंगे आपको थोड़ी सड़क भी हम अपने साथ, बाय गाइस। कट लगा है जी, तो देखते हैं भी कट लग रहा है, पीछे वाले में करा लेते हैं अभी इंस्टॉल। पहुंच चुके हैं और हम यहाँ। नमस्ते जी, कैसे हैं जी? लकड़ी के वो हैं वो मुझे ना पसंद नहीं है, मुझे प्लास्टिक के हैं। तो अगर किसी भाई को पता होगा कि मेरे को प्लास्टिक के वो रिंग कहाँ से मिलेंगे तो भाई प्लीज़ कमेंट करना यार, बताना।
से मैंने देखा बट मुझे नहीं मिले वैसे। तो भाई बताना अभी तो देखो कितना कर रहा है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. थोड़ा सा दिखा दूंगा जब होगा। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. अब इस डब्बी को कहाँ लगाओगे आप? वो जो छोटी सी डब्बी है अंदर छुपा दिया नहीं? अंदर छुप के जाएगी, साथ में डबल टेप लगाते ना। अच्छा, और उसका काम जो है ये है, इसमें से हमारे पास ये है इनपुट स्टीरियो की, ठीक है। ये आ गई हमारी बूफर के लिए तार, ये आ गई हमारी ट्यूटर के लिए तार। अच्छा। ये बटन है छनकार बढ़ाने और कम करने के लिए। अच्छा, दबा के बढ़ती है और ऐसे कम होती है? ऐसे कम होगी। ये उसका आवाज का होता है। अभी आपने स्पीकर का कनेक्शन दे दिया है? ये बूफर का। बूफर मतलब? ये बूफरी बूफर। अच्छा, इसका कहाँ करानी? इसको स्पीकर नहीं बोलते कंपोनेंट? आप बूफर कह रहे हो? इसको बूफरी बोलते ना? हैं? कंपोनेंट ये है, एक अच्छा। सारा कंपोनेंट है ये, पर ये बूफर आ गया, ट्यूटर आ गया नहीं? अच्छा अच्छा, मैं तो इसको ऐसी वैसे डैम्पिंग जरूरी है। डैम्पिंग जरूरी है क्योंकि अंदर लग जानी है ना, बार बार छेड़नी है ना, ना ये फिर तो इसके लिए गत्ता ही खोलना पड़ जाना फिर। तो मतलब आपका रिव्यू ये है कि ये बेकार है? थोड़ा डाउन है बस, और कुछ नहीं। अब डाउन अलग बात है, बेकार अलग बात। देखो एक तो ये ना एम्प पंप से चला के ना, इनको वो नहीं है ज्यादा, वो नहीं है, गारंटी कोई नहीं है इसकी। अच्छा, और ऐसे स्टीरियो से? स्टीरियो से तो मस्त चलते हैं। पर साउंड के बारे में क्या बोलेंगे? साउंड ठीक ठीक ही है। बेस तो नहीं होएगा? बेस भी होएगा, मिड भी, इसमें सब दोनों चीजें होंगी। अच्छा, उतना हल्का हल्का है? हाँ। उसमें ऐसे है ना कि ट्यूटर मारेगा झनकार। किस में? उसमें? इसमें। अच्छा, इसमें। हाँ, ट्यूटर मारेगा झनकार, ये हल्की बेस देगा। अच्छा, देखो भाई वो करना जरा। तो मतलब आपका ये है कि इस रेंज में, जिस रेंज का मैं ये लिया, मतलब इससे अच्छा धार को मिल जाता है? हाँ, बढ़िया मिल जाता। अच्छा है। इससे भी फाड़। अच्छा है। इससे सस्ता ही मिलना बोल के। अच्छा है। ये हमारा स्पीकर हो रहा है जी।
वूफर, एकन वूफर ही बोलते हैं इसको, ऊपर ट्यूटर है, फिर दिखाते हैं ये वाली कंप्लीट होने के बाद। ये है जी हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इसके साथ ये हमारा मतलब वूफर है ना, ये लग चुका है, ट्यूटर की तैयारी है, एक पेज लगना है, लगता है। सॉरी मैं आ गया आगे। अरे नहीं नहीं ठीक है, ये ऐसे इंस्टॉलेशन है बस, ये जाली थोड़ी सीधी कर सकते हैं आप, ये दूसरी भी ऐसे रखनी। अच्छा टेढ़ी रखनी है, मतलब जान पूछ के है। हाँ जान पूछ के, दूसरी भी ऐसे रखनी ना टेढ़ी। फिर ठीक है, मैं कहीं ये हो गया जी हमारे ट्यूटर का इंस्टॉलेशन, मतलब ये राइट साइड होगी कंप्लीट। देखा जाए बस कनेक्शन वगैरह पहले ही दे चुके थे, फिर बाद में दिया। बाकी इसको देख के आप भी कर सकते हैं, पर उसके लिए ऐसा है कि आपको ये औजार हमारे ये तो सब चाहिए ही है, तभी हो सकता है, नहीं तो ऐसा तो गत्ता आप काटेंगे गोल और वो कट जाएगा चौरस और उससे भी बड़ा, और फिर वो हो जाएगा बर्बाद। तो इससे अच्छा है भले किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। इससे ना गत्ते को पकड़ा जाती बढ़िया रिंग लगा के। अच्छा है। अब पूछो कैसे। हाँ जी, जब ये लग गया ना, ज्यादातर मूर्ति का गत्ता यहीं से खुलता है, बैंड भी यहीं से होता है, तो जब ये लग जाता है ना तो इसमें गुंजाइश नहीं रहती फिर निकलने की बार बार। अच्छा, इधर से तो हो चुका है, एक फिक्स हो गया ना पूरा। ठीक है ना, इतना वो भी नहीं लग रहा, आउट भी नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक के लगाते ना, प्लास्टिक के आते ये होते थोड़े बड़े, प्लास्टिक होते थोड़े पतले, तो ना टच कर जाता शीशा पार, इसमें हमारा शीशा टच नहीं। हाँ रिंग। अच्छा। सब में बोल रहा था प्लास्टिक बड़ों। अच्छा कि ये वाला ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है, थोड़ा बार को होता ना निकला हुआ, इससे शीशा टच नहीं करेगा आपका। ओके ओके ठीक है। परे परे ताकि अब होएगा लेफ्ट से, और ये जो लग रहा है ये लग रहा है हमारा स्टीरियो सही। भैया कह रहे हैं कि ये जो है अगर जो आप इसको एम्प से लगाते हैं तो भाई एम्प से आप इसको ये कहते हैं उड़ जाता है अगर जो एम्प से लगाओ, इसलिए इसको स्टीरियो से ही लगाएं। अगर जो कोई आपको कह रहा है तो अपने रिस्क पे लगा लो, नहीं तो बाकी ये स्टीरियो से ही दो, चाहे कुछ भी पैसे लगा रहे हैं आप पर लगा तो रहे हैं ढंग से लगाओ। बाकी अब दिखाते हैं लेफ्ट साइड का। नहीं भाई जी एक बार और, तो इसमें ये भी देखना पड़ता है कि शीशा टच ना हो। पीछे का भी इंस्टॉल हो चुके हैं जी, ये भी ये टाइट
लगा के ही लगी, ऐसे नहीं लगी उसको। उसका जो खंचा है ना जहाँ स्टीरियो लगा वो सारा निकल आना बाहर, और दूसरा उसी के बिल्कुल